टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस, आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और क्लास 11 के एंट्रेंस जो 2024 में एमयू का और जेएमआई का होना है, उसके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने मिक्स टेस्ट लिया है जो सारे चैप्टर पर बेस्ड है। तो जब जो पहली बार चैनल पर आए हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ें, ताकि जो है आपको आने वाली हर वीडियो अपडेट्स मिलती रहे और फ्री में तैयारी आप कर सकें। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी इज ए मैथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन, डी नन। तो आपको बताना है जो सीएनजी का और उसका बायोगैस का कंपोनेंट है वो क्या होता है। तो मोस्ट कंपोनेंट जो होता है सीएनजी और बायोगैस का वो होता है आपका मीथेन। राइट आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, When excess CO2 is passed through lime water, the milkiness disappears. This is due to the formation of calcium carbonate, calcium bicarbonate, calcium sulfate, DNN. जब CO2 excess मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पास कराई जाती है lime water के through, तो फिर हमें जो milkiness जो होती है वो disappear हो जाती है। ये होता है किसकी formation की वजह से? ये होता है calcium bicarbonate के formation की वजह से। तो right option होगा B। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजेस इन द पैकेजिंग हैव रिजल्टेड मच ओवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव टू रोल अप प्ले विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकम डिस्पोजेबल, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, एसर्शन बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो एसर्शन में है कि जो चेंजेस हैं आजकल पैकेजिंग के, उन्होंने बहुत ज्यादा हमारे वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल बनाया। चेंजेस एटीट्यूड भी में भी अगर होते हैं तो वो एक रोल प्ले करते हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें डिस्पोजेबल हो सकती है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू होगा और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन होगी, या फिर बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो राइट ऑप्शन होगा ए, एंड द बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। राइट ऑप्शन इज ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, दीज ऑर्गेनिज्म आर कार्ड प्रोड्यूसर विच इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं लाइक शुगर एंड स्टार्च से, फ्रॉम एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, उनको रेडिएंट एनर्जी को यूज करते हुए प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल में। ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर कहलाते हैं और ग्रीन प्लांट और इनमें बैक्टीरिया शामिल होते हैं। तो राइट ऑप्शन भी इसका भी ए ही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू सेल, दिस इज अ बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इन विच सेल्स आर द केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। देखिए, ए सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू सेल्स, ये बिल्कुल सही है, बट जो रीजन है वो इसका ठीक नहीं है, क्योंकि बेसिक इवेंट तो है लेकिन केमिकल रिएक्शन बिल्डअप नहीं करती डीएनए को कॉपी करने के लिए। तो ए और आर दोनों ट्रू है बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो बी ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल इज। तो जो गैस प्रोड्यूस्ड होती है जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होती है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। राइट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, The taste or smell of the feed change when kept a long time to do the oxidation, reduction, fermentation, none. जो taste और smell है वो change हो जाता है लंबे time तक, तो ये होता है oxidation की वजह से। Right option A. If there were a population of bacteria living in temperate waters, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but the new variants resistant to heat would survive and grow further. Some variants survive due to their healthy structure. B variation, C adaptability, D none. तो right option होगा इसका variation. Variation की वजह से ही कुछ भी जो species होती हैं, वो लंबे समय तक हमारे साथ टिक सकती हैं, लंबे समय तक हमारे साथ रह सकती हैं। उसके बाद जो next question है, if there were population, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है तो इसको हम आगे स्किप करेंगे।
इस पर से द प्रोसेस ऑफ पेरिसोलिटिक मोमेंट्स इन द डाइजेस्टिव ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन नर्व्स मेडुला ऑब्लोगेटा नन. तो जो पेरिसोलिक मोमेंट है डाइजेस्टिव ट्यूब का वो कंट्रोल किसके जरिए कराया जाता है, क्योंकि जो रेगुलेशन का सेंटर है और थर्मोरेगुलेशन का सेंटर होता है वो मेडुला ऑब्लोगेटा में होता है. राइट ऑप्शन इज सी. द पार्ट ऑफ द फ्लोएम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द प्लांट इज द कॉर्टेक्स सीव ट्यूब्स एपिथेलियल टिश्यू डीनन. तो राइट ऑप्शन होगा सीव ट्यूब्स. आयरन आर्टिकल आर शाइनी वेन न्यू बट गेट कॉटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर वेन लेफ्ट फॉर सम टाइम. दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन. फार्मूला ऑफ रस्टिंग Fe2O3 into XH2O Fe2O3 into H2O Fe3O4 Dnn. तो राइट ऑप्शन होगा Fe2O3 into XH2O. यहाँ 10H2O मैक्सिमम होता है. राइट ऑप्शन है ए. आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी वेन यू बट गेट कॉटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर. सेम क्वेश्चन है, बस पूछा है कि इस प्रोसेस को आपका क्या कहलाती है. तो ये प्रोसेस कोरोजन कहलाती है. कोरोजन में क्या होता है कि वो अपना कलर खो देती है. उसके बाद सिल्वर जो होती है कैसी हो जाती है, सेम क्वेश्चन है. तो सिल्वर जो है आपकी ब्लैक पड़ती है, कॉपर ग्रीन पड़ता है और आयरन ब्राउन हो जाता है. राइट ऑप्शन सी. कॉपर फिर से देखिए पूछ ही लिया इसने. ड्यू टू द कोरोजन कॉपर बिकम्स ब्लू ग्रीन ग्रे, तो ये ग्रीन हो जाते हैं. आयरन आर्टिकल्स जो हो जाते हैं तो कोरोजन जो होता है किसको डैमेज कर देता है, सारी ब्रिजेस को, कार बॉडीज को, आयरन रेनिंग्स को ऑल. राइट ऑप्शन डी. रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग से हीमोग्लोबिन, बी मेलेनिन, सी मेलेनिन, डी नन. राइट ऑप्शन होगा ए हीमोग्लोबिन. तो फ्रेंड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मिक्स चैप्टर से हमने लिए थे. एम्यू एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ साइंस क्लियर क्लासेस पर. थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो.